नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बारिश का कहर बरपाया है और कई के इलाके जलमग्न हो चुके हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त है, लोग जान जोखिम में डालकर यात्रा करने को मजबूर हैं। प्रशासन की लापरवाही भी देखी जा रही है। लोग बेधड़क होकर उफनते नदी नाले वाले पुल को पार कर रहे हैं। तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने है। बारिश की वजह से अलीराजपुर के झरने में अचानक सैलाब आ गया। इस दौरान एक दर्जन से ज्यादा लोग नहा रहे थे। झरना बाढ़ में तब्दील हो गया। हालांकि किसी तरह लोगों की जान बची। बैतूल में लोग जान जोखिम में डालकर उफनती नदी पार करते देखे गए। राजगढ़ में तो बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि थाने तालाब में तब्दील हो गए। इलाका जलमग्न हो गया। बारिश के चलते छापीहेड़ा और बोड़ा थाना तालाब में तब्दील हो गया। छतरपुर जिले में भी धसान नदी में दो युवकों पुलिस और DRC की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर बचाया, जहां पर दो चरवाहे अपनी 50 बकरियों को नदी के टापू में चरा रहे थे। मामले की सूचना मिलते ही होमगार्ड के जवानों के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों युवकों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला। वहीं देवास में आलम यह रहा कि बारिश के चलते प्रतियोगी छात्रों को न केवल उफनती नदी पर बने पुल को पार करना पड़ा, बल्कि सेंटर तक पहुंचने के लिए कीचड़ से भी दो चार होना पड़ा। श्योपुर में तो बारिश ने काफी रफ्तार पकड़ी है। मुंगेली के लोरमी इलाके में लगातार दो दिनों से ही भारी बारिश के चलते राजीव गांधी जलाशय पूरी तरह से भर गया है। मनियारी नदी के आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। पेंड्रा अमरकंटक क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण अरपा भैंसाझार बैराज लबालब हो गया है। बिलासपुर शहर में भी ऐसी स्थिति है। जल संसाधन विभाग ने यहां पर नदी के आसपास गतिविधियां करने वाले लोगों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। अलग अलग जिले की आप तस्वीरें यहां पर देख रहे हैं। अलीराजपुर की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बैतूल की भी, राजगढ़, छतरपुर, देवास की, श्योपुर, मुंगेली और बिलासपुर में इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। सभी जगह बारिश का कहर बरप गया है, साथ साथ बाढ़ भी लगातार यहां पर आ रही है। लोग परेशान काफी यहां पर हो रहे हैं। जो नदी नाले हैं वो काफी उफान पर आ चुके हैं। सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। लोगों को आवाजाही में खासा दिक्कत यहाँ पर हो रही है। उस जल भराव की स्थिति में भी लोग पानी में जा जाकर सड़कें पार कर रहे हैं, मजबूरी उनकी है। अलग अलग जिलों में ऐसी हालत यहां पर बनी हुई है। प्रशासन हालांकि अब सतर्क हो गया है और अलर्ट भी यहां पर जारी कर दिया है। राहत बचाव का कार्य दूसरी तरफ भी जारी है। जो भी युवक फंस जाते हैं या जो भी पानी में डूब रहा है उसको बचाया भी जा रहा है। जो जवान है वो उन्हें रेस्क्यू भी कर रहे हैं। बारिश और बाढ़ से आम जनता की जो परेशानी है वो काफी यहाँ पर बढ़ चुकी है। तो ये जो बारिश है आफत लेकर आई है। अलीराजपुर में दर्जन भर लोगों की जान बचाई गई है और बैतूल में जान जोखिम में डालकर लोग यहाँ पर यात्रा करने को मजबूर है। वहीं राजगढ़ में थाने में तक पानी यहाँ पर घुस गया। देवास की बात करें, PSC के साथ जिंदगी की परीक्षा यहाँ पर होती दिखाई दे रही है। वहीं छतरपुर में दो युवकों का रेस्क्यू किया गया। बारिश और बाढ़ से आम जनमानस काफी परेशान हो चुका है, जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। और इसी बार और जानकारी के लिए मनोज श्रीवास्तव जुड़ गए हैं लाइव। मनोज, क्या कुछ अभी स्थिति है? लगातार विदिशा में बारिश का दौर जारी है। पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। हालांकि अभी नदियां उतर चुकी हैं, पुल पर से पानी उतर चुका है, लेकिन जिले के 3-4 जो पुल में मुख्य पुल है वो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिनमें एक काकपुर का पुल है और एक जौहर नदी का पुल है। दोनों क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इंजीनियरों की टीम वहां पहुंच चुकी है। लगातार वहां पर यातायात अभी रोक दिया गया है। बारिश का दौर अभी जारी है। जो तेज बारिश परसों हुई थी उससे नटेरन क्षेत्र में जलभराव की स्थिति पैदा हुई थी। पमरिया गांव में पानी भर गया था। वहां पर रेस्क्यू करके जो लोगों को सुरक्षित स्थान पहुंचाया गया था वो वापस अपने घरों को पहुंच गए थे। तो प्रशासन की टीम एक बार फिर वहां पर पहुंची है। उन लोगों को वापस अपने रेस्क्यू करके दोबारा से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। लगातार सावन की झड़ी जिसको बोलते हैं वो यहाँ पर 3 दिन से लगातार जारी है। पिछले 2 दिन से तो कम बारिश हो रही है और जो नदी का जल स्तर था वो कम हो गया। मैं बेतवा नदी के पुल पर खड़ा हुआ हूँ, जो कल पूरी लवाला पुल के ऊपर बह रही थी, आज उसका जल स्तर कम हो गया और यातायात यहाँ पर सुचारू रूप से जारी है। जी सर, बिल्कुल। और आपने जैसे बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार चल रहा है, तो लोग कहीं ना कहीं काफी परेशान वहां पर हैं और जान भी जोखिम में डालकर बताया जा रहा है कि यात्रा करते और जाते हुए नजर आ रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। ये नटेरन क्षेत्र में सबसे ज्यादा हालात खराब हुए थे। वहां पर ये दो पुल, एक काकपुर नदी का और इंदौर नदी का, दोनों पुल पर क्षतिग्रस्त हो गया यातायात रोक दिया। ग्रामीण अंचलों में आज भी हालात, नटेरन क्षेत्र में हालात खराब है। वहां पर लोग अपने घरों में कैद हैं। कई गाँव
खेतों में पानी भरा हुआ है। जो संजय सागर परियोजना की जो मुख्य नहर थी उसके टूट जाने के कारण सबसे ज्यादा स्थिति बिगड़ी थी, गाँव में पानी भर गया था। और पमालिया गाँव में अभी भी लोग जो वहाँ मौजूद थे उनको निकाल कर प्रशासन यहाँ के TI SDM सभी लोग पहुंचे, उनको फिर से दोबारा से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। हालांकि जो दो पुल क्षतिग्रस्त हुए उन पर से लोग इसके बावजूद निकल रहे हैं, लेकिन भारी वाहनों का जो प्रवेश वहां पर रोक दिया गया। बिल्कुल, और इस वक्त आप बक्सर में हैं तो हम चाहेंगे थोड़ा सा बताएं वहाँ पे क्या कुछ हालात बने हुए, अपने आसपास की चीजों को थोड़ा सा दिखाएं कि किस तरह की फिलहाल वहाँ पर स्थिति है, लोग किस तरह से परेशान हो रहे हैं। आप बक्सर में इस वक्त यहाँ पर आई थिंक आवाज नहीं पहुंची है, दोबारा सवाल ले लेते हैं कि क्या कुछ वहाँ पे हालात हैं, थोड़ा सा जनता को दिखाइए कि बक्सर में आपके आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ पे किस हिसाब से जलमग्न वहाँ पे सड़कें हो गई हैं, क्या कुछ फिलहाल नजारा वहाँ का है थोड़ा सा दिखाएं। मनोज आप तक आवाज पहुंच रही है? संपर्क टूट गया। आप यहाँ पे तस्वीरें देख सकते हैं MP के जिलों की, किस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं, बहुत ही भयावह हालात हैं बारिश की वजह से। एक तरफ किसानों में खुशी रहती है कि बारिश आती है तो फसलों के लिए अच्छा होता है, लेकिन दूसरी तरफ ये जो बारिश है इसका कहर भी एक तरफ हो रहा है, उससे फसलें भी कहीं ना कहीं उन्हें नुकसान हो रहा है, लोगों को काफी दिक्कत हो रही है, कई लोग डूब भी यहाँ पर रहे, दो युवकों को रेस्क्यू करके भी निकाला गया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए, आफत लेकर ये बारिश इस बार आई है, और प्रदेश में कई जिलों में बहुत ही बुरे हालात यहाँ पर हो गए हैं, आम जनमानस सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। और भी नजारा दिखाने के लिए हमारे पास उमियास जुड़ गए हैं। उमियास, आपके जिले में फिलहाल क्या कुछ स्थिति है? उनको खाली करवा के सुरक्षित स्कूलों में बच्चों को पहुंचा दिया था, परिवारों को पहुंचा दिया था जी। लेकिन जो कुछ देर बाद जो हालात सामान्य होने पर, बारिश थमने पर वापिस अपने घरों में आ गए हैं। फिलहाल देखें तो जो बारिश की स्थिति है वो थमी हुई है, हल्की हल्की रिमझिम रिमझिम फुहार है। जो पुल पुलिया देखेंगे हम तो यहाँ जो अभी हम जो ब्यावर के अजलाल नदी के पुल के हैं काफी क्षतिग्रस्त हो गया है। यहाँ देखेंगे तो जो पुल है डैमेज हो गया, जिसके पूरा उड़ा गया है और जिसके आवाजाही में लोगों को परेशानी आ रही है जी। और बताया जा रहा है कि कल वहाँ पे दो थाने भी डूब गए थे, तो और कल क्या कुछ भयावह वहाँ पे स्थिति रही है, क्या कुछ रहा? जो निचली बस्तियों में जो पानी भरा हुआ था, जिसके चलते बोरा थाना था, जिले का काफी बड़ा थाना था, उसमें काफी पानी जो है पहाड़ी का बहाव चला गया था जी। कुछ घंटे बाद हालात सामान्य हो गए थे जी। और अभी बताया जा रहा है कि बारिश से जो किसान है क्या वो भी परेशान है, क्योंकि मूसलाधार बारिश हो रही है, तो क्या फसलों को नुकसान हो रहा है? इसके कारण काफी परेशानी, लेकिन जो सुबह से थोड़ा जोर थमा है उसके बाद लोगों को काफी राहत मिली है, लेकिन जो मौसम लग रहा है काफी तेज पानी आने के जो हालात बन रहे हैं, बादल जो हो रहे हैं बहुत जोर बादल हो रहे हैं, इस हिसाब से लग रहा है कि वापिस तेज पानी आएगा। बिल्कुल, वहाँ पे जो आपके आसपास का क्षेत्र है थोड़ा सा वो दिखाइए, साथ ही जो वहाँ पे लोग हैं उनको किन किन तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आप पूछ कर थोड़ा सा बताएं। जी निश्चित तौर पर मैं पूछता हूँ, जो बारिश जो हो रही है इसको लेकर जो सड़कें भी पूरी उखड़ गई है, और क्या क्या परेशानी हो रही है? ये दिक्कत ही तो आ रही है, क्या क्या परेशानी है? और परेशानी इसमें ये परेशानी है, परेशानी में लगभग सभी परेशान है। देखिए तो पुल पे काफी पानी था और तो कुछ गांव के लोग भी हमारे साथ है, थोड़ा आप बताइए क्या परेशानी, जो रात को पानी आया था लेके क्या परेशानी है, किस गांव के आप, क्या नाम आपका? हमारा हम मोहनीपुरा गांव के हैं, रामनारायण गांगी बोल रहे हैं, जहाँ पास में नदी किनारे रहते हैं, गाँव है हमारा पास में मोहनीपुरा गाँव है। सर हमें आस पास गाँव वालों को बहुत परेशानी आती है, नदी आगे भरा जाती है,
और अभी है जो नदी उतर गई अभी तो, और पानी का थोड़ा रुका है, और रात के लिए पुलिया भी उतर गई जहाँ पुलिया पे पानी भर जाता है। हमारे अस्पताल जाने वाली प्रशासन को ध्यान नहीं देती, आने जाने में बहुत परेशानी आती है साहब, यहाँ पुलिया बहुत छोटी है हमारी, ये अस्पताल जाने में बहुत परेशानी आती है साहब। फिलहाल जो देखेंगे बारिश का दौर है वो थमा हुआ है, जिसके चलते कुछ थोड़ी राहत लोगों को है, लेकिन अगर तेज पानी आता है तो काफी हालात जो है लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल, और काफी ज्यादा हम देख सकते हैं आपके वेबसाइट में काफी ज्यादा जल भराव की स्थिति वहां पर है, तो जल निकासी को लेकर क्या कोई व्यवस्था यहां पर है? साथ साथ कह सकते हैं कि जो नगर पालिका उसकी पोल खुलती यहां पर नजर आ रही है, क्योंकि अगर बारिश आने से इस तरह के हालात हो जाते हैं और अभी भी इसको ठीक नहीं किया जाता है, जल निकासी की व्यवस्था नहीं होती है, तो दोबारा जब बारिश आएगी तो कहीं ना कहीं वैसे ही हालात हो जाएंगे। जी निश्चित तौर पर जी, ये जो है ये अजलार नदी है, इसका पानी आगे राजस्थान की नदियों में जाकर मिल जाता है, जो शहरों का पानी आता है, शहरों की नालियों का पानी आता है वो भी इसमें मिलता है, लेकिन जो नालियां चौक हो जाती है जिसके कारण जो निचली बस्तियां है उसमें पानी का भराव काफी हो जाता है। और मैं बता दूं आपको, यहाँ जिले में दो डैम भी है, मोहनपुरा और कुशलपुरा, जिसके एक जो कुशलपुरा बांध है उसके 8 गेट खोले गए हैं, और जो मोहनपुरा गाँव मोहनपुरा डैम है उसके भी गेट खोले गए हैं, लेकिन जब बारिश अगर तेज होती है तो काफी गांवों में पानी भराने की आशंका लग रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, और इसी वक्त एक